हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट टू, है ना। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है और बढ़िया कंसेप्ट के बाद हम इसका आज पार्ट लेने वाले हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट, है ना। जीओसी का सेकंड नंबर वाला पार्ट है और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से। इसकी एप्लीकेशन में से पहले मैं बता चुका हूँ, एप्लीकेशन लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, कौन कौन से थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनियन, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनियन, सेकंड हो जाएगा एसिड बेस की स्ट्रेंथ देखेंगे, थर्ड हो जाएगा हमारा एनएसआर रिएक्शन, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देखो, कार्बोकेटाइन एनआईएन सी ए में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में बात कर चुका हूं उनके बारे में, है ना। तो हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। जैसे मेरे पास में ये कोई कार्बोकेटाइन है ना, CH3। एक ये हो जाएगा, एक मेरे पास है CH3 प्लस, एक मेरे पास हो जाएगा CH2 प्लस, एक मेरे पास हो जाएगा CH3 प्लस। इस तरह से तीन प्रकार के मेरे पास कार्बोकेटाइन्स हैं। अब इनमें पूछता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो, स्टेबल के लिए क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि CH3 मिथाइल ग्रुप जो होता है, इसको ऐसे समझना, देखो बहुत सिंपल है, इजीली समझ में भी आ जाएगा कि आप ये देखो, सबसे पहले इसके आइट साइड जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप आइडेंटिफाई करो। हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पार्शियली रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है ये पॉजिटिव आने से दुखी है, है ना। कोई भी चार्ज आवेश आने से, हमारा भी आवेश आने से हम भी दुखी हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी तत्व है उस पर कोई भी चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, दुखी रहेगा, जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाए। तो ये भी दुखी है, पॉजिटिव आएगा तो भी दुखी रहेगा, माइनस आएगा तो भी दुखी रहेगा, इसको चाहिए न्यूट्रल रहे। तो अब ये चाहता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज हटे। तो देखो, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट कर रहे हैं किसकी तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ। ये मिथाइल भी करता, मतलब ये अकेला है बेचारा, इसको तीन दोस्त मिल गए जो कह रहे हैं हम तेरी हेल्प करेंगे, सांत्वना दे रहे हैं ना, हेल्प नहीं कर रहे हैं, केवल सांत्वना दे रहे हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत पार्शियली हेल्प कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सांत्वना पाता है। इसकी बात करते हैं, देखो इसके दो दोस्त हैं, एक दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और इसके कितने दोस्त हैं, इसके बेचारे के एक ही दोस्त है ना, एक ही दोस्त होने के कारण ये बेचारा थोड़ा कम स्टेबल है और इसके पास तो कोई दोस्त ही नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर सकते हैं, है ना। अब अगर मान लो एक से ज़्यादा दो इफेक्ट आ जाए तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे भाई, किसके कारण ये इसकी स्टेबिलिटी है। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की, है ना, वो मैं बताऊंगा वैसे एरोमेटिसिटी। फिर मिजोमेरिक, फिर रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के बाद क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, इंडक्टिव। बेचारा इंडक्टिव को सबसे लास्ट में देखते हैं हम, है ना। सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, अगर एरोमेटिसिटी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेसोमेरिक और फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर लास्ट में जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो मतलब कि अगर कार्बोकेटाइन है और अगर उसकी एरोमेटिसिटी शो कर रहा है वो कार्बोकेटाइन, तो फिर उसका जो स्टेबिलिटी का कारण होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, फिर उसका स्टेबिलिटी कारण क्या होगा, एरोमेटिसिटी। ओके, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, है ना। कार्बेनियन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, कार्बेनियन की बात करें तो देखो मेरे पास कंडीशन वही है एज इट इज है। ये मेरे पास में ये माइनस, ये CH माइनस, ये CH3 और ये CH3 CH2 माइनस और ये CH3 माइनस। माना कि यहाँ से कोई हाइड्रोजन निकल चुका है और हाइड्रोजन जाके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके चला गया।
तो उस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी क्या होगी। देखो कार्बन पहले से दुखी है, माइनस चार्ज है, ये अपना माइनस चार्ज कम करना चाहता है, जबकि इसके दोस्त क्या कह रहे हैं, है ना, ये क्या है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ये कार्बन जो है बहुत धनवान है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे पड़े हैं, धनवान इलेक्ट्रॉन से धनी है ये, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसका माइनस से भी तो आया इसके ऊपर। अब ये चाहता है, धनवान व्यक्ति के घर में छापा पड़ता है, धनवान व्यक्ति घर में छापा पड़ता है, तो इसके घर में छापा पड़ने वाला है, तो छापा पड़ेगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी उस समय कह ले भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो ये तो पहले से दुखी है, इसके घर में छापा पड़ने वाला है, और ये और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं कि लो भाई लो इलेक्ट्रॉन लो, तो सबसे ज़्यादा दुखी हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये पार्शियली और शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें क्या होगा, इस कार्बन के पास पहले से माइनस है और ये और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो बिल्कुल अपोजिट जो है वो ऑर्डर आ जाएगा, है ना, पिछले वाले से ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, इसको हटाते हैं, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, वो किस में बढ़ेगी, कार्बो कैटाइन्स में, जबकि कार्बेनियन में उल्टा हो जाएगा, कार्बेनियन अगर उसमें प्लस आई इफेक्ट वाला आएगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, डाउन करेगा, है ना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें ये कार्बेनियन की बात करें अगर, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, तो दोनों में अपोजिट चलेगा मामला, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एक बात तो हमारी ये हुई, और एक एग्जांपल तो ये कार्बोकेटाइन और कार्बेनियन के पार्ट यही है, इसको ऐसे ही समझेंगे हम। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एसिड बेस स्ट्रेंथ, है ना, एसिड बेस स्ट्रेंथ, अगर इसकी बात करने लगूँ मैं तो मेरे पास में देखो सबसे पहले मैं बहुत छोटे एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ये HCOH, CH3COH और एक मेरे पास हो जाएगा फ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, है ना। देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत इजीली आप ऐसे इन क्वेश्चनों को फटाफट करेंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाओ इफेक्ट कौन सा लग रहा है। इसकी बात करूँ मैं तो देखो एच एसिड क्या करता है, देखो एसिड बेस स्ट्रेंथ की मैं समझाने से पहले एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये मेरे पास कोई एसिड है मान लो, है ना, तो ये H प्लस बनाएगा और A माइनस बनाएगा। देखो H है कोई एसिड है, ये बना रहा है मेरे पास में H प्लस और A माइनस, ये कार्बेनियन है और ये प्रोटोन, एसिड होता है हमेशा प्रोटोन देता है ये हम जानते हैं, और ये कोई नेगेटिव आयन बन रहा है, पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो देखो कोई भी एसिड जो है वो H प्लस जब देता है, जब उसका जो माइनस वाला पार्ट होता है वो H प्लस देने के बाद स्टेबल हो जाए, है ना। जैसे मेरे पास इसको ऐसे समझ लो आप, ये दो कोई पार्टनर है जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, है ना, दो कोई पार्टनर है पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और जैसे ही कोई इनको एक व्यक्ति मिलता है वो कहता है भाई मैं तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, मैं तुझे इस अकेले को बोल रहा है कि मैं तुझे ऐसा जॉब दूंगा कि तू जितना यहाँ कमा रहा उससे डबल मैं दूंगा, डबल कमाएगा, तो ये क्या करेगा फटाफट इस H प्लस को रवाना कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर दो कोई एसिड है उसका अगर माइनस वाला पार्ट धनायन ऋणायन वाला पार्ट जो है अगर ऋणायन वाला पार्ट स्टेबल हो जाता है H प्लस देने के बाद तो वो जल्दी H प्लस देगा। तो एसिड जो होगा अच्छा एसिड वही होगा जो जिसका माइनस वाला पार्ट नेगेटिव स्टेबल हो, नेगेटिव स्टेबल होगा तो वो अच्छा एसिड हो जाएगा, और जिसका नेगेटिव स्टेबल नहीं है वो अच्छा एसिड नहीं हो सकता, है ना। इस कंसेप्ट से हम इसको समझेंगे, तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मस्त कंसेप्ट है, आराम से समझ में आएगा। एच सी ओ माइनस यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री सी ओ माइनस, और एक यहाँ पे बनेगा सी एच टू सी ओ माइनस। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस से दुखी है ये, इसका माइनस को कम करने वाला भी कोई नहीं, इसके माइनस को बढ़ाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि एच का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो लगभग जीरो होता है, ना प्लस पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है ना। तो इसका ना तो ये बढ़ाएगा इसके माइनस चार्ज को, ना कम करेगा, तो न्यूट्रल है ये। ये देखो ये सी एस थ्री प्लस आई इफेक्ट है, ऑब्वियसली बढ़ाएगा ये। और इधर बात करता हूँ मैं तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये माइनस आई इफेक्ट वाला है,
और माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, इसकी जो माइनस की जो माइनस का जो चार्ज है वो धीरे धीरे इस पर कम होगा, कम होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी पे भी चार्ज ज्यादा होना सही बात नहीं है, तो ये माइनस चार्ज होने के कारण क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, तो इसका माइनस चार्ज कम कम होगा, माइनस चार्ज कम होगा तो ये स्टेबल होगा। तो सबसे बढ़िया एसिड ये रहेगा। तो मैं जैसे इसको बोलूँ सी बी और ए, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, सी फिर ए और फिर बी, है ना। ये ऑर्डर हो जाएगा इसका एसिडिसिटी का, है ना। तो इस तरह से हम इसके एसिड, समझ में आया क्यों हुआ ये लास्ट में क्यों गया, प्लस आई इफेक्ट कारण। तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग है, तो अभी और चलते हैं आगे, थोड़े एग्जांपल बढ़ाते हैं। तो एक मेरे पास में एग्जांपल ये हो गया, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जांपल है, समझाता हूं। CH2Cl, है ना, एक हो जाएगा मेरे पास में, और एक हो जाएगा मेरे पास में, है ना। बात करते हैं इसकी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड, स्टेबल नहीं, सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है इनमें से। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो देखो इसमें क्या दिख रहा है मेरे पास में, ये कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, दो Cl, है ना। तो देखो इसमें ऐसे ऐसी चीजों में क्या करना होता है, सबसे पहले देखो आप ये देखो कि कितनी डिस्टेंस है। देखो ये इस ये जो एसिड है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे तीन Cl जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये एसिड है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पास दो Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ही Cl जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या देंगे, इसमें एक रूल है मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जो भी स्पीसीज है उसके नंबर बढ़ेंगे, जैसे मेरे पास प्लस आई इफेक्ट वाली स्पीसीज है या माइनस आई इफेक्ट वाली स्पीसीज है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर जो स्पीसीज है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ माइनस आई स्पीसीज, देखो ये जो है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे दो Cl, दो Cl रहेंगे, ये देखो एक दो Cl, दो Cl दो तरफ से चार्ज को कम करेंगे, और यहाँ पे तीन Cl तीन तरफ से चार्ज कम करेंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका एसिडिसिटी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस DNP का याद रखेंगे, DNP मतलब डिस्टेंस नंबर और पावर। तो देखो डिस्टेंस का क्या मतलब क्या है, कि एसिड के पास जो ये जो Cl और एसिड इनके बीच में दूरी कितनी है, दूरी ज़्यादा होगी। देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और यहाँ पे Cl जोड़ दूं, देखो कितनी दूरी होगी, दो तीन कार्बन आ गए बीच में, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई ना। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, ये हम जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो कम हो रही है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो सबकी बराबर है, दूसरे वाले नंबर कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन नंबर की बात करें तो नंबर अलग अलग, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो उतना ही बढ़िया एसिड होगा, है ना। अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ज़्यादा हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले अगर ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एसिडिसिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिडिसिटी है वो इंडक्ट माइनस आई इफेक्ट से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एच जाने के बाद इसके माइनस को ये स्टेबल कर देगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CH3COH एसिडिक एसिड है ना, थोड़ा अजीब दिख रहा है, एसिडिक एसिड। अगर एसिडिक एसिड लेता हूँ तो इनके कंपैरिजन में एसिडिक एसिड क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा, सबसे वीक, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इफेक्ट लग रहा है। तो ये एच जाने के बाद फिर वापस वही माइनस चार्ज, और फिर ये इसके माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, तो सबसे बेकार एसिड ये हो जाएगा इन तीनों में से। तो अपन बात करें तो इसको एक थोड़ा से छोटे से कंसेप्ट समझे कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ वो भी बढ़ेगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। इस तरह से ये थोड़ा सा लॉजिक वाला पार्ट है, समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले एग्जांपल की। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन
क्लोरीन, है ना, ये तीनों लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा, इसमें सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है। डिस्टेंस देखें तो देखो एक दो दूसरे कार्बन, तीसरी एक दो तीन तीसरे कार्बन बी आर, एक दो तीन तीसरे, सब तीसरे कार्बन पे ही है माइनस आई इफेक्ट वाले। देखो सबसे पहले इसको पहचानो कि ये सारे माइनस आई इफेक्ट वाले, सारे माइनस आई इफेक्ट वाले, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट है तो देखो, फिर अगर ये डिस्टेंस अगर इनकी बराबर है माइनस आई इफेक्ट वाले तो हो गया, क्लियर हो गया कि ये दो सब एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएंगे, है ना, एसिडिसिटी बढ़ाएंगे। माइनस आई इफेक्ट वाले तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अब बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस भी बराबर है, दूरी भी बराबर है। अब देखेंगे नंबर की, तो नंबर भी बराबर, देखो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो बचा क्या हमारे पास में लास्ट पावर। पावर मतलब माइनस आई इफेक्ट जो सीरीज है उस सीरीज में पहले जो आएगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। याद आ रहा ना कुछ ट्रिक अम्मा नौका कानपुर से, लास्ट वीडियो में बताया मैंने ना, तो उसमें ऑर्डर क्या था इनका माइनस आई इफेक्ट का, यही ऑर्डर था। तो पहले कौन आ रहा, फ्लोरिन, सबसे ज्यादा फ्लोरिन की पावर है, उसके बाद सी एल की, फिर उसके बाद बी आर की। इस तरह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा लगेगा उतना जल्दी एच को रवाना करेगा, और एच रवाना होने के बाद ये उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, माइनस उसका ही कम कर दे, उतना ही कम कर देगा ये। तो इस तरह से इसका डीएनपी वाला रूल समझ में आया होगा आपको, है ना, डीएनपी वाला रूल आपको क्लियर हुआ होगा। ये डीएनपी वाला रूल था, सी एस थ्री सी ओ एच, और मेरे पास में है एक सी एस थ्री सी ओ एच, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास में पर एसिडिक एसिड, ये है मेरे पास में सिर्फ एसिडिक एसिड। ओके, अब दोनों में से ज्यादा ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, दोनों में से विच इज द मोर एसिडिक, है ना। तो इसमें आप क्या कहोगे, 90% लोग जो आंसर देते हैं वही दोगे या अलग दोगे। 90% लोग कहते हैं ये, बताओ सही है गलत है, बिल्कुल 100% गलत। हाँ, क्या आप क्या सोच रहे होंगे कि माइनस माइनस और माइनस, तीन तीन माइनस बनने, तीन तीन ऑक्सीजन है जबकि यहां दो ऑक्सीजन है, ज्यादा पावर लगेगी एच को जल्दी रिलीज करेगी, यही कह रहे हो, तीन ज्यादा पावर लगेगी एच को जल्दी रिलीज करेगी तो ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्या होगा मेरे पास में, बिल्कुल आप सोच तो बिल्कुल सही रहते लेकिन गलत चले गए, टक 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 टक, बताओ कौन कौन इस टक 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 को समझ गया। एच बॉन्डिंग, यस, दिस इज एच बॉन्डिंग, और एच बॉन्डिंग होने के कारण एच बॉन्डिंग बनेगी। अब एच बॉन्डिंग समझ में आ जाती बात, एच बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एच बॉन्डिंग का मतलब यह है कि जैसे जैसे एच बॉन्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम करेगा, क्योंकि एच को जाने नहीं देगा ना, यहाँ पे एच बंधा हुआ है। इससे कोई व्यक्ति खड़ा है उसको अगर आप फ्री बैठा है तो एकदम से खींचेंगे तो जल्दी आ जाएगा, जल्दी खींचने में आ जाएगा, लेकिन कोई उसको पकड़ के बैठा उधर से फिर खींच के दिखाओ उसको, तो फिर खींचने में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये यहाँ पे बॉन्डिंग होने से क्या होगा, एच बॉन्डिंग होने से इस एच को जाने नहीं देगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगी वो कम हो जाएगी, और फिर इसका ऑर्डर ये नहीं रह जाएगा। इसमें तो कोई एच बॉन्डिंग है नहीं, है ना, इसमें कोई एच बॉन्डिंग होती नहीं है, है ना। तो इस तरह से एच बॉन्डिंग के कारण पर एसिडिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है एसिडिक एसिड से। चलिए एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, मस्त एग्जांपल है, उससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक ये हो गया, एक ये आर ओ एच सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एक सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसके एसिडिक में पूछो कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, सबसे बढ़िया एसिड कौन है इनमें से, सबसे बढ़िया एसिड कौन सा इनमें से, अगर मैं पूछूं इसमें सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा, तो एसिड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में देखो सबसे बढ़िया एसिड होगा ये, इसको बोलता हूं मैं कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड, जैसे फिनॉल है ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं फिनॉल है ये, है ना, फिनॉल, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम से ही एसिड है। अच्छा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंपाउंड ऐसे हैं जो बिना COH के भी एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें सभी में एसिड होने के लिए COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का होना कंपलसरी है, लेकिन दो कंपाउंड ऐसे, एक तो है मेरे पास में फिनॉल,
जिसमें COH ग्रुप नहीं होते हुए भी क्या है, एसिड है। और एक और कौन सा होता है, पिक्रिक एसिड, है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, यही तो स्ट्रक्चर है, ये और ये 1,2,3,4 एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये भी क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है और बिना COH के होता है। तो ये समझ में आ गया, कार्बोलिक एसिड, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर अगर मैं बनाऊं तो इसका ऑर्डर ये रहने वाला है, कैसे रहेगा, देखो फिनॉल जो होता है वो क्या करता है, एच प्लस निकाल लेता है, एच प्लस निकालेगा तो एच प्लस निकालने के बाद क्या बनेगा मेरे पास में, एच प्लस निकालने के बाद बनेगा फिनोक्साइड आयन, जिसके पास में 3 लोन पेयर रहेंगे। तो फिनोक्साइड आयन रहने के बाद क्या होगा, जैसे एच निकाला, ये जो इसका, अब आप कहोगे साहब इसमें तो माइनस बढ़ गया, माइनस तो बढ़ गया लेकिन ये माइनस डी लोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। और रेजोनेंस क्या करता है, थोड़ा बहुत जानते होंगे रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद जो स्टेबिलिटी को लेके आता है। अच्छा, केवल मैं इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ा पार्ट है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे एरोमेटिसिटी है, आपके मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ केवल इससे नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी चीजें इससे क्लियर हो जाएगी, वो मैं समझा देता हूँ। बाकी अगर ऑर्डर की बात करूं मैं, तो देखो रेजोनेंस जो होता है, हमेशा ध्यान रखना 90% लोग इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे निकालें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे उनको केमिस्ट्री बहुत बकवास लगती है, एक्चुअली केमिस्ट्री बकवास नहीं है, उनको तरीका सही पता नहीं है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास में अगर जैसे दो कंपाउंड आ गए, देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप मुझसे कोई पूछे कि इनमें से बढ़िया कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज द मोर स्टेबल, क्या कहेंगे आप, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप कहोगे ये स्टेबल क्यों है, अरे भाई इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी है और रेजोनेंस इसमें भी है, यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव, तो रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें देखो दो कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें कम है, लेकिन ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज ओनली रेजोनेंस, नॉट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है ये, तो रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाले को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो हमें क्या देखना है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है या उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी निकालनी होती है, सबसे पहले उसमें देखो कंपाउंड में कहीं एरोमेटिक तो एरोमेटिसिटी तो नहीं है, क्या एच प्लस जाने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं हो रहा है, देखो यहां से एच प्लस गया तो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, अगर मान लो ये अगर एच प्लस नहीं होता यहां पर तो फिर एरोमेटिक नहीं रहता, ये जैसे एच प्लस गया एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिसिटी को सबसे पहले देखना है, फिर देखना है मेसोमेरिक, फिर देखना है रेजोनेंस, फिर देखना है हाइपरकॉन्जुगेशन, और हाइपरकॉन्जुगेशन के बाद लास्ट में क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे लास्ट में बेचारे को इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इसको सबसे लास्ट में देखना है। तो फैक्टर करते हैं, तो रेजोनेंस यहां पे इफेक्ट हो रहा है, एच प्लस जाने के बाद रेजोनेंस बढ़ रहा है, और रेजोनेंस बढ़ने से क्या होगा, इसकी रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव की तुलना में, तो बहुत ज्यादा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अच्छा एसिड होगा, जल्दी एच रिलीज करेगा, है ना, एक बात तो ये तो आया समझ में ये। तो इस तरह से कुछ फैक्टर होते हैं, इनको बहुत डीप में समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है ना, फिर अपन और पढ़ेंगे आगे, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, है ना, ये सारे पढ़ेंगे हम बिल्कुल। इन दोनों की बात करूं, देखो यहां से एच निकल जाता है तो ओ एच माइनस, है ना, और यहां से एच निकल जाता है तो क्या बनता है, आर ओ माइनस। अब मेरे पास देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये एल्काइल ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट, पहले से दुखी माइनस है और फिर और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज्यादा दुखी होगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, जबकि देखो यहाँ पे माइनस है लेकिन ये तो एच प्लस, ये तो न तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो फिर इसकी इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो एच प्लस देना, ये वाटर में से एच प्लस निकलना आसान रहेगा, मतलब पानी जो है वो ज्यादा एसिड है एल्कोहल की तुलना में, है ना, पानी ज्यादा एसिड है, एसिडिक है एल्कोहल की तुलना में। और इन तीनों की बात मैं अलग से करता हूँ अभी, है ना, इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं अभी जस्ट, है ना, इसको समझाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ, इनको एक बार समझ लेते हैं। CH थोड़ा स्टाइल चेंज करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, क्या हो रहा है भाई यहां पे, देखो H यहां पे, ठीक है, ओके, सबसे पहले मुझे क्या देखना है इसमें, अगर इस तरह के अगर आ जाते हैं कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर मैं वो इसमें किसी तरह कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो अब इनको ही देखेंगे, हम देखेंगे इसमें कार्बन का एस कैरेक्टर। अब वो क्या होता है एस कैरेक्टर, उसके बाद समझाता हूँ। पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनमें संकरण निकालो। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किसको निकालना आता है,
हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर देंगे। पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट एक और दो, दो तो पाई बॉन्ड है तो एस पी, दो सिग्मा बॉन्ड के लिए एस पी, तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए, अब देखो यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड तो दो एच के हो गए, एक एच इधर और एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एस पी टू। इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो एक दो तीन, तीन है तो दो पी और एक एस, एस तो दो नहीं हो सकते ना, तो एस पी टू, और यहाँ हो जाएगा एस पी थ्री। तो देखो एस पी टू में बात करूँ तो देखो 50% तो है एस लक्षण और 50% है पी, 50% एस है और 50% पी है। लेकिन अगर मैं यहाँ एस की बात करूँ तो एस कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, 33%। अरे निकालते हैं ना, ये वन थर्ड हो जाएगा, वन थर्ड डिवाइड बाई 100 तो 33% आ जाएगा। ये एस क्या है, इसका वन फोर्थ पार्ट है। इन चारों में से चार टोटल चार मॉलिक्यूल है, इसमें से केवल एस केवल एक ही है, कितना है एक ही है, तो इस कितना हो गया इसका वन फोर्थ ही तो हो गया। एस कितना हो गया इसका, वन फोर्थ पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो कितना आ जाएगा, 25%। तो यहाँ पे एस कितना है 25%, यहाँ पे एस कितना है 33% और यहाँ पे एस कितना है 50%। एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर आ गया। तो जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर, देखो एस कैरेक्टर जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा होगी। जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपसे समझ में आ रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब भी ज़्यादा होती है, जैसे माइनस आई इफेक्ट वालों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे फ्लोरीन आ जाता है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिविटी बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन आने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो जल्दी एच प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एच प्लस को जल्दी रवाना करेगा, है ना, जल्दी मतलब कि रिलीज करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूँ तो ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इससे हेल्प मांगेगा, इससे हेल्प मांगेगा तो ये अपन दोनों भाई भाई, तो इस एच को रवाना कर देगा ये, ठीक है। तो वो फ्लोरीन के केस में होता है, या फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी कंडीशन में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनना मतलब कि फिर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट में मैं समझा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ने से, है ना, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचता है तो एच प्लस को जल्दी रवाना करता है, तो माइनस वाला चार्ज होगा वो जल्दी ज़्यादा स्टेबल। जैसे यहाँ से एच प्लस जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस आएगा तो देखो क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज़्यादा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव वाले के पास माइनस आना बहुत अच्छी बात है, फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आना अच्छी बात है उसके लिए। तो वही कंडीशन यहाँ पे, तो ज़्यादा माइनस आएगा अच्छी बात है, इसका माइनस जो रहेगा, इसका जो माइनस रहेगा वो स्टेबल रहेगा, इसका माइनस थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, इसका और कम रहेगा, तो इसके ऑर्डर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में, है ना। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगी, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाया करती है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल हो गए मेरे ये एसिडिक नेचर के। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी अलग जाता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बाद में लेंगे, जैसे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे उसमें समझाऊंगा ना मैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला अलग से टॉपिक लूंगा। जैसे ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये है, अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा अच्छा एसिड है वगैरह वगैरह, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले पार्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला जब मैं पोर्शन लूंगा, वो टॉपिक लूंगा, तब मैं बात करूंगा इसमें। अब लेता हूं सेकंड बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत बड़ा नहीं लेने वाला बेसिक स्ट्रेंथ को मैं। देखो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, जैसे मेरे पास में CH3NH2 और एक मेरे पास में आ जाता है अमोनिया। देखो प्लस आई इफेक्ट है इसका, ये लॉन पेयर देना चाहता है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, लॉन पेयर देगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, लॉन पेयर देता है ना, या कोई क्षार देता है, OH आयन देता है। तो यहाँ पे तो NH3 अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया क्या करता है, लॉन पेयर देता है। तो ये लॉन पेयर जो अच्छा देगा, देखो अपन लेविस एसिड और लेविस बेस की बात करते हैं, तो लेविस बेस क्या होता है, अच्छा जो लॉन पेयर दे सके वो अच्छा बेस होगा, तो लॉन पेयर यही दे सकता है, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर देगा, मतलब एक ये लॉन पेयर जब देगा, जब देने में आसानी हो, तो देखो एक लॉन पेयर ये भी देने वाला है क्योंकि इसके पास भी लॉन पेयर है। तो यहाँ देखो क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये इसका दोस्त है, ये कहेगा यार मैं लॉन पेयर दे दूँ क्या, ये इसको पूछ रहा है कि क्या मैं लॉन पेयर दे दूँ, ये कहता है
दे दे चल ठीक है, मैं तेरे को पार्शियली इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे को पार्शियली इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करूंगा, तू इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसका एक दोस्त बन गया ये, और ये हेल्प कर रहा है इसको कि दे दे मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगा। तो ये बिना टेंशन के दे देता है, जबकि ये देगा इलेक्ट्रॉन तो इसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, बेसिक नेचर जो होगा वो बढ़ेगा, बेसिक नेचर क्या होगा बढ़ जाएगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं केवल इससे प्लस आई इफेक्ट से इसको समझ नहीं सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम बाधा वगैरह जिसे कहते हैं, तो उनके भी फैक्टर होते हैं, तो वो थोड़ा फिर उसमें स्ट्रेंथ जो होती है बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अलग हो जाती है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। इसके अलावा जैसे मेरे पास अगर ये आ जाए NO2 CH2 CH2 और ये NH2, और एक मेरे पास आ जाए CH3 CH2 CH2 NH2, देखो स्पेल ऑन पेयर स्पेल ऑन पेयर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, माइनस आई इफेक्ट है जबरदस्त इसका, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस लॉन पेयर को क्या करेगा, ये जाने नहीं देगा, जामत मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे कहेगा जामत इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये लॉन पेयर नहीं जा पाएगा, और लॉन पेयर नहीं जा पाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो रहेगी, मतलब इसकी बेसिक नेचर रहेगी वो कम रहेगी, और इसकी बेसिक नेचर बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास कोई माइनस आई इफेक्ट वाला नहीं, सारे प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, है ना। इस तरह से एक ये हो गया, और एग्जांपल देख लें, है ना, इस तरह से हम इसके बेसिक नेचर को समझ में आता है। जैसे मेरे पास अब जैसे थोड़ा सा मामला अलग हो जाए, है ना, ये NH2 आ जाए, उस कंडीशन में इन दोनों की बात करूं तो देखो इसके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो इस लॉन पेयर को जाने नहीं देगा, तो ये अच्छा अच्छा बेसिक होगा। एसिडिक की तुलना, एसिडिक की बात करेंगे तो एसिटिलीन ज़्यादा अच्छा एसिड होता है टू कंपेरिजन एथिलीन, लेकिन अगर बेसिक नेचर की बात करूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, कम खींचेगा तो लॉन पेयर जाने देगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये कुछ बेसिक नेचर का नेचर की बात हुई। थोड़ी सी बात मैं कर देता हूँ थर्ड पार्ट की, फिर हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं, लास्ट पार्ट है NSR रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक किसने होती है, हेलो एल्केन की, किसकी होती है, हेलो एल्केन है ना, R X, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, है ना। तो हेलो एल्केन की क्या होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है NSR, तो उसको भी ये इंडक्टिव इफेक्ट समझाता है, उसको भी थोड़ा हेल्प करता है समझाने में, हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, और भी सारी चीजें होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास में इस तरह का कंपाउंड है, देखो कैसे समझाता है, एक एग्जांपल समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास में Br, ये कोई भी RX हो सकता है, देखो ये जैसे ये हो गया, ये मेरे पास में Br, और एक मेरे पास में जैसे ये होता है CH2 Br। देखो अब इन तीनों में से कहें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये NSR से समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। अब NSR क्या कहता है कि भाई हमारे पास में रिएक्शन के लिए NSR मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होगा। देखो मैंने बताया था एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वीडियो बना रखा है, अलग से लेक्चर लिया है, तो उस लेक्चर को देखें आप। तो ये Br क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलेगा यहां से, मतलब Br- के रूप में निकलेगा यहां से, तो न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा रिएक्शन को, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इसके दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इसका न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है, अब तो सर क्लियर हो गया बिल्कुल, क्या समझ में आया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तीन तरफ से तीन दोस्त हेल्प कर रहे हैं इसकी प्लस आई इफेक्ट से, इस पॉजिटिव को कम करने के लिए, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैं पहले समझा चुका हूं इस चीज को, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 2 डिग्री वाले से ज्यादा होगी, और इसकी 2 डिग्री वाले की 1 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, यहां पे मेरे पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है टू कंपैरिजन 2 डिग्री, और ये फिर 1 डिग्री, तो ये जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए ये जल्दी Br देगा। तो मैं अगर मेरे क्वेश्चन आएगा कि हेलो एल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
है ना, इस हेलो इन हेलो एल्केन्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, आया समझ में? तो कुछ इस तरह की रिएक्शन समझाने में ये इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प करता है, और भी बहुत सारे मेजर इफेक्ट है वो मैं समझाऊंगा उसके बारे में बाद में, नेक्स्ट आगे बात करेंगे अगले इफेक्ट्स की। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कंटेंट, और आपको समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।